नमस्कार मेंस मात्र, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली लाइव और हम लोग इस समय मौजूद हैं बिथरी विधानसभा में, जहां पर ताबड़तोड़ जिस तरीके से भाजपा ने 7 टिकट दिए और उसके बाद 2 टिकट की अब घोषणा की है, तो उसके बाद चुनावी सिलसिला शुरू हो चुका है और सियासत का रुख अब किस तरफ बैठेगा ये तो 14 तारीख को ईवीएम में जो नतीजे कैद होंगे और 10 मार्च को निकलेंगे उसके बाद ही साफ स्थिति हो पाएगी। लेकिन उससे पहले सारे प्रत्याशी जो कि लंबी जो फेरिस्त जो थी जनता की उन पर पूरे खरे उतरते नजर आ रहे हैं 2017 से, जब से योगी सरकार आई है। अब ऐसे में बिथरी विधानसभा से जो 123 विधानसभा है उससे डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी को टिकट दिया गया है, जिसके लिए पूरा बीजेपी का कुनबा पुरजोर तरीके से मैदान में डट चुका है। और इस बीच हमारे साथ आंवला से धर्मेंद्र कश्यप सांसद जी हैं जो मौजूद हैं, जुड़ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके रण में एक बेहतर भूमिका निभा रहे हैं और आगे किस तरीके से इस चुनाव को जीतने के लिए वो पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। स्वागत है सर आपका। कि सांसद जी, जो ये विधानसभा चुनाव 2022 है, इसमें किस तरीके से आप देखते हैं, इसके लिए किस तरीके से आप लगे हुए हैं? देखिए, बिथरी विधानसभा ये हमारे घर की विधानसभा है। मैं भी यहाँ से 2 बार MLA रहा हूँ, दूसरी बार सांसद हूँ, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे किसी भी गांव के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए 4-5 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। नंबर 1 चिकित्सा, नंबर 2 शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, और इन सारी चीज़ों पर हमारी सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। आप देखेंगे 2014 से पहले लाखों ऐसे गाँव थे जिनमें आज़ादी के 70-72 साल के बाद भी बिजली का ना होना, इससे बड़ी शर्म कोई हो नहीं सकती। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री की शपथ ले तो उन्होंने ये तय कर दिया कोई गांव, कोई मजरा, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, वो उस गांव में कोई गांव ऐसा नहीं बचना चाहिए जिस गांव में बिजली ना लगे। आज हम बड़े दावे के साथ और जिम्मेदारी और दिलेरी के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां बिजली आती ही नहीं थी, आज हम निर्बाध रूप से 24 घंटे जिला मुख्यालय को, 22 घंटे तहसील मुख्यालय को और 18 घंटे हम ग्रामीणों को बिजली देने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, किसान जिनकी आमदनी को 2 गुना करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था अलग से सिंचाई की लाइन भी बनवाने का काम किया जा रहा है। वो गरीब परिवार जो बिजली का कनेक्शन लेने के लिए बहुत मशक्कत करता था, सौभाग्य योजना के तहत हम उनको फ्री में बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं। महिलाएं, आप जरा कल्पना करें कि अंधेरे का इंतज़ार करते थे लेकिन शौचालय बना करके हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनको केवल शौचालय नहीं दिया बल्कि इज्जत और सम्मान से जीने का रास्ता उनको दिया। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में जा रहे हैं और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और योगी जी से लोग खुश हैं। ना कोई जाति चलेगी, ना कोई धर्म चलेगा, ना वाद चलेगा, यहाँ केवल और केवल लोग मोदी जी की नीति, भारतीय जनता पार्टी की नीति को देख करके वोट देने को तैयार। और डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा हमारी प्रत्याशी हैं जो बहुत ज़्यादा मतों से जीत करके यहाँ से विधायक। तो अब हम जानते हैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से, जो कि भाजपा के 123 विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं, कि उनका क्या एजेंडा है और वो किस एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार जनता का प्यार उनको मिलता हुआ क्षेत्र में नजर आ रहा है। अब हम उनसे रूबरू कराते हैं। सर, तो स्वागत है आपका सिटी न्यूज बरेली की तरफ से। सर, जिस तरीके से लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक का आपका बिजी शेड्यूल है, किस तरीके से आप अपना एजेंडा सेट किए हुए हैं और जनता के बीच पहुंच रहे हैं? नमस्कार जी, आपका स्वागत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करती रहती है। जब निरंतर कार्य होता है तो एजेंडा क्या होता है कि जो हम कर रहे हैं उसको और कैसे बेहतर बनाएंगे। जी, 18 घंटे बिजली आ रही है, हम इसको 24 घंटे कैसे करेंगे? अभी इलाज कराने के लिए लोग बरेली में आ रहे हैं तो भमोरा में कैसे ये सुविधाएँ मिलेंगी? ये प्रयास है हमारा, लोगों को गांव-गांव, जब आप डेवलप्ड जो एक कंट्री की बात करते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में बैठने की सपने देख पाए, ऐसी व्यवस्थाएं बनाने जा रहा है। भारत डेवलपिंग कंट्री है, इसको डेवलप्ड कंट्री में कैसे बदला जा सकता है, उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता था कि इतने मेडिकल कॉलेजेस हो सकते हैं? क्या सोच सकते थे बरेली से भी हवाई जहाज जाएगा? बेंगलोर से लोग आते थे,
मुंबई से आते थे, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ अरब कंट्रीज़ में जॉब करते हैं, उनको कितनी परेशानी होती थी। यहाँ से पहले दिल्ली जाते थे, दिल्ली जाते थे, फिर किसी होटल में रुकते थे, फिर हवाई जहाज़ पकड़ते। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है, यहाँ से बैठे सीधे मुंबई चले गए, कनेक्टिंग फ्लाइट मिली, 1 से 1.5 दिन की बचत हो गई, पैसे की बचत हो गई, होटल में रुकना पड़ता था। निरंतर इस तरीके की दिशाओं में प्रयास कर रहा है ये भारत सरकार है, मोदी जी योगी की सरकार है। बाकी आपने विषम परिस्थितियों में देखा ही है किस तरीके से कोरोना काल में हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने कार्य किया। किसी को भूखा सोने की चिंता नहीं थी, आप कल्पना कर सकते हैं कभी कभी एक एक दो दो तीन तीन महीने आदमी काम ना करे, एक मजदूर जो रोज का कमाता खाता था, सबसे बड़ी परेशानी क्या रहती थी, क्या खाएंगे, इलाज कैसे कराएंगे, इन सब की चिंता की। किसान परेशान होता था, कभी कभी एकदम से बहुत बारिश हो गई, बीमा वो हो गई, उसके पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। लेकिन किसान की सम्मान निधि देखिए, कम से कम ये तो तय है कोई बात नहीं, अपने बीज बीज तो खरीद लेगा। कितना परिवर्तन आया है, इन ये मुद्दे नहीं हैं, ये जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, उन्हीं को आगे बढ़ा के। मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी के जब आएंगे आने वाले समय में, जब हम डेवलप्ड कंट्री का सपना दिखाएंगे, जब हम गांव में मेट्रो ले जाने की बात करेंगे। अभी तो हमने जो वास्तविकता है उस जीवन जीने लायक लोगों को बनाया है, पहले आप कल्पना ही नहीं कर सकते थे, लोग सोचते ही नहीं थे कि स्कूल भी जाना है। जब लोग अच्छे से जीने लगेंगे, कभी सोच सकते हो गांव में जा रहे थे लोग, सड़क पर जाते थे बेचारे, लैट्रिन करते थे, ट्रेन आती थी, ट्रेन की स्थितियाँ देखते थे, आपने भी ट्रेन में ट्रेवल किया होगा, कितनी ख़राब स्थिति होती थी, ऐसा लगता था कि हम वो कैसे जी रहे हैं, क्या हम मनुष्य हैं। लेकिन शौचालय बना के व्यवस्थाओं को सुधारा गया, सम्मान दिया गया। ये जो स्थिति है, अभी तो हम भारत, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, जो 70 साल से लोगों को जीने की व्यवस्थाएं थी, इतनी ख़राब थी, नहीं कहना चाहिए, वो मनुष्य के लिए ठीक नहीं थी। अब मनुष्य के जीवन लायक व्यवस्थाएं बनाई गई, उसके बाद सुंदर सपने दिखाने की बात होगी। एक गांव में बच्चा पढ़ के, बहुत कम लोग गांव के बच्चे पढ़ते थे, मैं गांव से आया हूँ, किसी तरीके से ईश्वर ने मदद की, डॉक्टर बन गया, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग सपने ही नहीं देखते। जब सपने ही नहीं देखे तो डॉक्टर बनेगा कैसे, इंजीनियर बनेगा कैसे। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे व्यक्ति को टिकट देके एक मैसेज देने का काम किया, जो गांव में बिल्कुल रिमोट में पैदा हुआ हो, जो नंगे पैर चला हो, और वो व्यक्ति ने डॉक्टर बना, डॉक्टर बनने के बाद में उसको एमएलए बनने की एक राह दिखाई है। आप लोगों के आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा से एमएलए भी बनी। ये लोगों के भाव जगाएगा, मेंटर होते हैं लोग इस तरीके के, माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी जैसे लोग, ये गरीब परिवार में पैदा हो गए, लेकिन किसी तरीके से अपने आप की स्थिति बनाई, बच्चों को पढ़ाया, ये सब चीज़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम सपने दिखा रहे हैं, लोगों को जीना सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं कैसे लोग, एक गरीब का बच्चा भी बहुत आगे पहुंच सकता है। और उसी दिन जब ये सब लोग सपने देखने लगेंगे, अपने लिए मेहनत करने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, तो ये भारतवर्ष एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा। और एक समय आने वाला है कि भारत सर्वोच्च पे पहुँचने वाला है। भारत की जो GDP थी उस पर इंग्लैंड पला करता था, और ईश्वर ने चाहा वो दिन आने वाला है, यूरोप हमारी तरफ देखा करेगा कि कब ये हमको भोजन उपलब्ध कराए। एक सवाल उठता है कि रोजगार के लिए बिथरी विधानसभा में क्या ऐसा आप करने वाले हैं, जो आगामी अगर आप विधायक चुने जाते हैं जनता के द्वारा तो क्या करेंगे सबसे पहला काम? देखिए, रोजगार के लिए मैं क्योंकि गाँव गाँव घूमा जी, हमारे मोदी जी ने कहा किसान की जो आय है उसको बढ़ाने के लिए पशुपालन को बढ़ाना पड़ेगा। यदि यहाँ पे कुछ गांव हैं, यदि आप देखेंगे जहाँ पशुपालन होता है, उनकी जो स्थिति है वो उन गांव के लोगों से अच्छी है जो पशुपालन नहीं करते हैं, जो दूध का व्यापार नहीं करते हैं। तो निश्चित ही यदि मैं विधायक बन रहा हूँ तो यहाँ के जो लोग हैं उनको जीवन में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उनके लिए मैं ये प्रयास करूँगा कि जो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जाए। हमारे जो लोग हैं वो अन्न का, बहुत अच्छे अन्न का उत्पादन करते हैं, ऑर्गेनिक फूड भी बहुत सारे गांवों में पैदा हो रहे हैं, उसको प्रॉपरली बेच के लोगों को बता के, अपने जो शहर के लोग हैं कि यहाँ से आप खरीदिए, तो अन्न का उत्पादन को ठीक से बिना मिक्स वाला लोग किसी तरीके का, क्योंकि जो गाँव का किसान है वो नहीं करता है मिक्सिंग, ये तो बिचौलिए करते हैं, तो ठीक का ठीक सामान ठीक लोगों के पास पहुँचेगा, ये एक मेरे मन में भाव है कि उससे उनकी आय बढ़ेगी।
सबसे पहला काम कि बिचौलियों के पास पहुंचने के बाद जो मिलावट होती है, मिलावटखोरी को रोकना और इस तरीके से पशुपालन को बढ़ावा देना, ये वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे एजेंडे हैं जिनको लेकर डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा मैदान में हैं। और अब देखना ये है कि किस तरीके से वो इस चुनावी रण में जीत हासिल करते हैं। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ वरी लाइव, कैमरा पर्सन सत्यम के साथ मैं अंश माथुर, नमस्कार।